हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और न्यू अपडेट के बारे में जो यहाँ पर ई श्रम कार्ड की तरफ से निकल के आ रही है। ई श्रम कार्ड में एक अपडेट आई है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप आ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर फॉर श्रम कार्ड के लिए है और यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी रजिस्टर अपडेट के लिए। तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिया गया है यहाँ पर एक नोटिस, एक रेड कलर में यहाँ पर एक कुछ स्क्रॉल हो रहा है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। यदि आप आपके प्लेटफॉर्म वर्कर हैं यानी ओला, ओबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि के साथ काम कर रहे हैं तो कृपया ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करें या अपना विवरण अपडेट करें। तो ये बोला जा रहा है उन सभी कैंडिडेट के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, जो अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, जैसे कि इन सभी में काम करते हैं तो उनको लिए ये बोला जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में यहाँ पर दिया गया है, दोनों माध्यम में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे आपको आधार को अपडेट करना है, मतलब आपका ई श्रम कार्ड को अपडेट करना है। जैसे कि देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल यहाँ पर दिखा रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है अपडेट प्रोफाइल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ से आपका मोबाइल नंबर मांगा जाए तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है, कैप्चा को फिलअप करके सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा आपका हो, जैसे आप सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, जो भी आपका जो श्रम कार्ड के साथ आपका लिंक होगा उसी पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है, आपको भेज दिया जाएगा। देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि साइट स्लो होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो आपको लगातार ट्राई करते रहना है और यहाँ पर अपडेट जो आए उसे फिलअप कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एयर नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्या क्या दिया गया है इन सभी को जानकारी को आपको देना है। तो जैसे ही मैं सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर ओटीपी सेंड नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, थोड़ी देर वेट। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी को डालने के बाद आपको सारी जानकारी यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपडेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी को मैं डाल दूँगा। ओटीपी को डालने के बाद ही यहाँ पर सुबह जी मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा। सबमिट वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ पर आधार नंबर आपको डाला जाएगा। यहाँ पर तो फिंगर से कर सकते हैं, आईरिस से कर सकते हैं, ओटीपी से कर सकते हैं। तो आपको जिस भी माध्यम से आप करना चाहें उस माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप चाहे तो फिंगर और आईरिस से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिंपली मोबाइल है तो ओटीपी से आप करके काम चला सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखला। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डाल दिया है। यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करूँगा जो भी आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस लिंक मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज भेजा जाएगा जिसको आपको डाल करके आगे होगा। मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया। ओटीपी को डालने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही आप वेट करिएगा यहाँ पर सेव वाले, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। डिटेल का आपको दिखने के बाद चाहे तो यहाँ पर आधार का फोटो दिखाई देगा, आपका नेम आपका दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, मेल आपका दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ से इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार ई श्रम कार्ड है जो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव माई आधार कार्ड, यानी कि इस वाले बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से आपका श्रम कार्ड। तो यहाँ पर डिलीट वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आना है और आने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम आपका खुल गया है। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड वाले बटन पर जब क्लिक करेगा तब यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अपडेट करने के लिए आपको अपडेट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अपडेट उन्हीं लोगों का करना है जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सभी के रिलेटेड जो भी ओला वगैरह से काम करते हैं उन्हीं लोगों का करना है। अब आपको अपडेट क्या करना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अपने काम के अकॉर्डिंग ही आपको अपडेट करना होगा, यानी आपका जो कहने का मतलब है कि आपको जो भी आपका जो होगा वो आपका स्किल के अकॉर्डिंग ही होगा। यानी आप जो भी आप काम करते हैं तो आपका आपका इसमें जो ऑक्यूपेशन स्किल में आ जाएगा। आपको एस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आने के बाद यहाँ पर फिर से वही जो पिछली पुरानी जानकारी है वो यहाँ पर दिया जाएगा। देने के बाद आपको सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो इन सभी को जानकारी को आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, आपको भर देना है। क्या क्या भरना है जो भी बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो इसे आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर डिटेंट ऑफ टेक्नोलाइजेशन में आपको देख सकते हैं कि जिसकी ओला वगैरह से इन सभी से आते हैं, तो मैं तो नहीं आता हूँ तो मेरा कुछ और ही यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और भी डालूँ तो सेल्फ लर्निंग वगैरह ये जो जॉब से रिलेटेड है जो वही दिखा रहा है। अगर स्किल्ड जॉब्स की बात करूँ तो यहाँ पर टू रिसीव फ्रॉम द टेक्निकल ट्रेनिंग जो यहाँ पर है
इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर जैसे ही आप अपडेट वाले बटन पर क्लिक करिएगा यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इस श्रम से रिलेटेड कुछ जानकारी और भी दे देता हूँ जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल बता दी है कि आपको क्या क्या अपडेट करना है, आपको क्या नहीं अपडेट करना है, और इस श्रम कार्ड से जुड़े जो भी रिलेटेड यहाँ पर बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वेबसाइट पर इजीली आ सकते हैं। आने के बाद आप अपना अपडेट भी कर सकते हैं और भी कुछ जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है लुकिंग फॉर जॉब, यानी जॉब के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आप लुकिंग फॉर अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। तीन सभी इन सभी का प्रॉफिट यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको ज़रूर लें। और भी जानकारी जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर सिर्फ नंबर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इसका रिगार्डिंग यहाँ पर नीचे में जो आपको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है सेवाएँ। जैसे कि देख सकते हैं ट्रेनिंग के लिए देगा, अप्रेंटिसशिप के लिए देगा, जॉब के लिए देगा, पेंशन के लिए देगा, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए देगा। इन सभी को आपको एक एक बार को क्लिक करके आपको देख लेना है। अगर जो भी आपको मनपसंद हो उसे आप करें, नहीं हो नहीं करें, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार के इसमें पैसा नहीं लगने वाला है। तो मैंने सारी जानकारी यहाँ पर बता दी है कि आपको किस तरह से क्या करना है, सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। लेकिन इन्हीं लोगों को अपडेट करना है जो ओला, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सभी वगैरह को वर्क करते हैं, उन्हीं के लिए दिया गया है। वर्क फ्रॉम द ओला, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सभी के लिए दिया गया है। जैसे कि जो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय हो गया, पिज्जा डिलीवरी बॉय हो गया, इन सभी को ही अपडेट करना है। बाकी सबका जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आगे चल के अपडेट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। अगर हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर 1434 है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, चाहें तो कर सकते हैं। इन सभी को देख करके आप कॉल भी कर लेना है अगर और भी अधिक जानकारी के लिए। मैंने जो भी जानकारी था मैंने बता दिया है और सारी जानकारी को आपको मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाले अपडेट्स आपको जल्द ही से जल्द मिल सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय